परीक्षा का पहला दिन सेंटर पर इन सामानों के साथ पकड़ी गई तो लगेगा 5 साल का प्रतिबंध। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC की 68वीं संयुक्त मेंस परीक्षा आज से शुरू हो रही है। पहले दिन एक ही पाली में परीक्षा होगी। अभ्यर्थियों को एग्जाम शुरू होने से एक घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य है। परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए आयोग द्वारा कई बदलाव किए गए हैं। आयोग आयरिस कैप्चरिंग के जरिए फर्जी अभ्यर्थियों की पहचान करेगी। बायोमेट्रिक उपस्थिति आयरिस कैप्चरिंग के माध्यम से दर्ज करने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए सभी सेंटर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एग्जाम हॉल में इलेक्ट्रॉनिक सामान के साथ अगर कोई अभ्यर्थी पकड़े जाते हैं तो उन पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। परीक्षा में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। SDO और SDPO अपने अपने इलाके में बने सेंटर का निरीक्षण करेंगे। एक पेपर पर ही प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका पहली पाली की परीक्षा 9:30 बजे से 12:30 बजे तक चलेगी। परीक्षा खत्म होने के बाद अभ्यर्थी अपना सेंटर छोड़ पाएंगे। सुबह 8:30 बजे तक अभ्यर्थियों को सेंटर पर प्रवेश करना अनिवार्य है। पटना में एग्जाम के लिए 7 सेंटर बनाए गए हैं। आज GS1 की परीक्षा होगी। पहली बार BPSC ने प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका एक ही पेपर में रखने की व्यवस्था की है। घर ले जाने के लिए छात्रों को अलग से प्रश्न दिए जाएंगे। आज कुल 3,444 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। पटना कॉलेजिएट स्कूल, BN कॉलेजिएट, बांकीपुर गर्ल्स स्कूल, कमला नेहरू गर्ल्स हाई स्कूल, गर्दनीबाग गर्ल्स स्कूल, पटना हाई स्कूल गर्दनीबाग, फुलवारी शरीफ हाई स्कूल, इन सामानों के साथ पकड़े गए तो लग जाएगा प्रतिबंध। BPSC ने स्पष्ट कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक सामानों के साथ अगर अभ्यर्थी पकड़े गए तो अगले 5 साल तक बिहार लोक सेवा आयोग की किसी भी परीक्षा में वह शामिल नहीं हो पाएंगे। अन्य लोक सेवा आयोग को प्रतिबंध लगाने के लिए लेटर भेजा जाएगा। आयोग ने मोबाइल, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच, जनरल वॉच, स्मार्ट घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं।